प्रणाम सभी को, राम राम। जम्मू वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है और सच में आज जम्मू का एक एक बच्चा खुश हो रहा होगा, क्योंकि उनके बीच में से निकला हुआ एक बच्चा उमरान मलिक आज पूरे भारत के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में जम्मू का नाम रोशन कर रहा है, जम्मू के डोगरों का नाम रोशन कर रहा है। प्राउड डोगरा, देखिए प्राउड डोगरा हमारा उमरान मलिक अब इंडिया की T20 टीम में भी खेलेगा। BCCI द्वारा एक ट्वीट किया गया है और BCCI ने इस ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है कि अब उमरान मलिक हमारा जम्मू का बेटा अब खेलेगा T20 मैच के अंदर। और एक बड़ी खुशखबरी की बात है हमारे जम्मू का बेटा और जम्मू वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। मेरे साथ अभी फोन लाइन पे मौजूद हैं रंजीत कालरा जी, जो खुद भी क्रिकेटर रह चुके हैं और कई सारे क्रिकेटर्स को जो है आगे बढ़ावा देने के लिए लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करते रहते हैं। मैं उनसे बात करूंगा और रंजीत जी से हम जानेंगे कि कितनी बड़ी बात है एक हमारे जम्मू के लिए और उमरान मलिक के लिए खास करके, क्योंकि आज एक बड़ी खुशखबरी की बात है। और मैं चाहूंगा कि उमरान मलिक और उनके पूरे परिवार को मैं JK मीडिया के माध्यम से मुबारकबाद दूं और आप भी मुबारकबाद दें। रंजीत जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। जी रंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है JK मीडिया पर। उमरान मलिक को T20 में सिलेक्ट कर लिया गया है, जो कि अभी अभी BCCI ने भी ट्वीट किया है और आपने भी अपने फेसबुक के माध्यम से लोगों को जानकारी दी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कितनी बड़ी बात है हम जम्मू वासियों के लिए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, एक हिस्टोरिक दिन है और एक बहुत खुशी का दिन है कि जम्मू कश्मीर से और खासकर जम्मू से हमारा पहला लड़का 75 साल में जो इंडिया के लिए खेलेगा, इंडियन T20 स्क्वाड जो अनाउंस किया है BCCI ने, जो आने वाली 5 T20 की सीरीज है साउथ अफ्रीका टीम के साथ, इस टीम को जो है KL राहुल जो है वो लीड करेंगे इंडियन टीम को। इट्स अ वेरी बिग डे और हम बड़े दिनों से हम सब ये सोच रहे थे कि सिलेक्टर्स की निगाह जो है वो कि इस पे उमरान मलिक पे पड़ेगी। उमरान मलिक खुद बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है IPL के मैचेस में, 157 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की बॉल डाल के पूरी दुनिया को उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया और आई थिंक ये उनकी मेहनत है और JKCA का जो उनको सपोर्ट रहा है और उनकी खासकर फैमिली का जो उनको सपोर्ट रहा है। और सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने उनको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है और बहुत ज्यादा इंकरेज किया है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग डे और जब कोई खिलाड़ी इस तरह से उभर के आता है तो यंगस्टर्स के एक प्रेरणा बनता है और उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन बनता है, आगे इंडिया खेलने का जो सपना उनका होता है वो पूरा होता है, उनको दिखाई देता है। तो इट्स वेरी वेरी बिग डे और सबको मुबारकबाद और मैं यही कहूंगा कि हम सब दुआ करें कि वो इस सीरीज में अच्छा खेले ताकि आगे टेस्ट टीम के लिए भी और वनडे टीम के लिए भी उनका सिलेक्शन हो सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने रंजीत सर। मेरा जो अगला सवाल था आपने उसके जवाब की शुरुआत कर दी। दरअसल इस युवा से मुझे लगता है कि बाकी बच्चे जो आप भी कई बार मेरे साथ बात करते हैं, हम कई बार बात करते हैं कि जम्मू और कश्मीर के अंदर इतने अच्छे हमारे जो युवा हैं, जो कई क्रिकेटर क्रिकेटर्स में कई अच्छे बैट्समैन हैं, कई बड़े अच्छे स्पीड में बॉल करवाने वाले हैं, कई बड़े अच्छे अच्छे फील्डर्स हैं, कितना बढ़ावा मिलता है सर? और क्या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और मतलब अपनी तरफ से आग्रह करेंगे कि और भी इस तरह के जो बच्चों को यहाँ से और चुना जाए? पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें रोल कम है, रोल BCCI का है एंड आई थिंक द BCCI अंडर सौरव गांगुली, जयशा, अरुण ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनकी सिलेक्शन कमेटी जो है ये हमेशा ऐसे उभरते हुए चेहरों पे टैलेंट पे नजर रखती है। और आजकल भी आप देखेंगे तो JKCA यहाँ पे टैलेंट सर्च कर रहा है विमेन एंड मेन दोनों श्रेणी में और ऐसे टैलेंट सर्च जो है वो और ज्यादा सितारे ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी एक शुरुआत है जम्मू के लिए खासकर और जम्मू के युवाओं के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, और ये एक बहुत बड़ा रोल मॉडल बन के उभरा है। मेरी ये दुआ है कि भगवान इसकी फिटनेस जो है वो बनाए रखे, इंजरी से इसको बचाए रखे और ये इसी तरह ज्यादा और बहुत ज्यादा विकेट ले और अपने जम्मू कश्मीर का और अपने भारत देश का नाम रोशन करे। बिल्कुल रंजीत सर, एक आपसे आखिरी सवाल होगा। जिस तरह से सभी लोग, आज पूरा संसार उमरान मलिक और उनके परिवार को जानते हैं, उमरान मलिक जी के पिताजी एक छोटी सी फ्रूट की एक दुकान करते हैं और इतने छोटे से घर से, और उनके पिताजी से मैंने कई बार बात की, उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे इसको क्रिकेट बैट लेके देने के लिए, बॉल लेके देने के लिए, लेकिन कहीं से मैं पैसे जोड़कर इस बच्चे को जो है प्रैक्टिस करवाता था। आज उस परिवार के लिए कितना बड़ा दिन है।
तो आपसे बात करने से पहले मैं उमरान के फादर से ही बात कर रहा था, और एक फैमिली का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है किसी भी कामयाबी के लिए कि बच्चे के टैलेंट को फैमिली ने सपोर्ट किया और उसे पूरी आजादी दी कि वो खेले। बहुत से बच्चे कई बार कामयाब नहीं हो पाते, पर वो मौका उन्हें फैमिली जो है उसको जरूर देना चाहिए कि वो अपना जो ड्रीम है उसको फॉलो कर सके और कामयाब हो सके। तो एक बहुत बड़ी एक स्टोरी है एक फैमिली की, उसके सेक्रीफाइस की और उस फैमिली के सपोर्ट की अपने बेटे के लिए, जिससे आज इसको नेशनल टीम में जो है वो इंक्लूड किया गया है। और ये सब चीजें बाकी लोगों को प्रेरित करेंगी, हम सबको इंस्पायर करेंगी कि हम सब भी अपना रोल करें और ऐसे ही अच्छे बच्चे आगे आएं और आगे जाके अपना ड्रीम जो है वो फुलफिल करें, बाकी यंगस्टर्स को प्रेरित करें। एक बहुत बड़ा दिन है आज जम्मू कश्मीर के लिए, इंडिया के लिए, और जो हमारी एक खोज थी फॉर अ जेन्युइन पेस बॉलर, आई थिंक उमरान मलिक के इंडिया टीम में आने से वो जो खोज है वो पूरी होती दिखाई देती है, और हम भी अब एक अच्छे स्पिनर को सपोर्ट करेंगे पूरी कंट्री हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत सर, आपने अपना कीमती समय दिया जेके मीडिया के साथ बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच एंड कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। रंजीत कालरा जी हमारे साथ बात कर रहे थे। रंजीत कालरा जी हमेशा जो हमारे जम्मू कश्मीर के युवा हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहते हैं, और मैं रंजीत सर को भी इस चीज़ की मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि ये उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की बात होती है जब उनकी तरफ से जब कोशिशें की जाती हैं और उनमें से एक बच्चा निकल के एक इतना अच्छा फास्ट बॉलर बन के सामने आता है। उमरान मलिक का T20 में सेलेक्ट होना एक बड़ा अच्छी बात है और भारतवासियों के लिए, जम्मू वासियों के लिए, कश्मीर वासियों के लिए एक बड़ी खबर है। हमारा जम्मू का डोगरा आज पूरे देश भर में छा चुका है। अब आने वाले दिनों में जल्द ही वो इंडिया टीम के साथ भी खेलेंगे और टेस्ट सीरीज में भी खेलेंगे। हम इसी की प्रार्थना करते हैं, और उमरान मलिक जी के परिवार को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग भी इस वीडियो में उमरान मलिक जी और उनके परिवार को मुबारकबाद।